क्या हम अपने पार्टनर को ही हमेशा ब्लेम करते हैं कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, या फिर वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, या वो मेरी एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ रहा है, या फिर वो मेरे इमोशंस के केयर नहीं कर रहा है। कई बार मैं ऐसा देखती हूँ कि जब पेशेंट मेरे पास में आते हैं तो उनके पास में बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है अपने पार्टनर को लेकर। तो जब अगर हमें पता है कि हमारा पार्टनर हमें टाइम नहीं दे रहा है या फिर वो मुझे नहीं समझ रहा है, उसको मेरे इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ या मैं कहाँ जा रही हूँ, उसको मेरे बिहेवियर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी काम करते हो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ आप कहाँ पे हो या क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपके पार्टनर ये सारी चीज़ों को केयर नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे एक बार अपने लिए सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप सब कुछ जानते हुए कहीं आप अपना एब्यूज़ तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप अपने इमोशंस का एब्यूज़ तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेकर कि हम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ भी होता है मैं उसी को ही ब्लेम करूँगी। क्यों? अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर आपको समय नहीं दे रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, आपको आपकी फीलिंग्स की केयर नहीं कर रहा है, तो सब कुछ जानते हुए भी अगर आप उसके साथ हैं और उससे बार बार ये कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, आपके कंप्लेन पे आप वो आपसे फाइट कर रहा है, तो यहाँ पे एक बार आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी गलत इंसान के साथ तो नहीं जा रहे, कहीं आप अपने लाइफ के साथ मजाक तो नहीं कर रहे। क्योंकि आप यहाँ पे अपने आप को रोजाना हर्ट करोगे, आपकी एक्सपेक्टेशन तो वही होगी लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका पार्टनर, वो इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी जो मेंटल इमेज है वो हो सकती है डिफरेंट है। तो अगर आप लोगों के साथ में भी इस तरीके की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, रिलेशनशिप में या फिर आप खुद अपने साथ गलत कर रहे हो। और उस टाइम पे आपको बिल्कुल काम होना है अपने आप को समझने के बाद, क्योंकि अगर आप में एंजाइटी या आप इमोशनली हाई होते हो उस टाइम पे आपकी जो रियल थिंकिंग है, जो हमारी फ्रेश थिंकिंग बनती है, वो नहीं हो पाती क्योंकि हाई इमोशन की वजह से हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। और ये साइंटिफिकली देखा गया है कि ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स है हमारी न्यू थिंकिंग को जनरेट होने में, हाई इमोशंस। तो आप ऐसे टाइम पे अपने आप को जितना हो सकता है काम करें, आप कुछ रिलैक्सेशन थेरेपी लें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को रिलैक्स करें, उसके बाद ही एक रैशनलाइज डिसीजन लें जिससे जो आपको रोज़ाना जो रोज़ रोज़ पेन हो रहा है आप उस पेन से बच सकते।